everyone, welcome back to Cookingstation Around The Kitchen. So friends, it's Saturday and yeah, very very happy weekend to all of you. So yes, it's 7:30 here, as you can see, 7:30, like it's about 7:45 here, and main aapko bahar dikhati hu. This is the अभी आज का जो मौसम है, ऐसा कुछ हो रखा है अभी तक, यहाँ उजाला है. एंड दीज डेज लाइक 8:30 9 o'clock तक यहाँ उजाला रहता है. तो बस वीकेंड है, तो अभी 7:30 हो रहा है. मैं डिनर बनाने जा रही थी, जस्ट आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू ऑल कि मैं आज क्या बना रही हूँ. तो बेसिकली जो है कि आज लाइक हम होता है ना, बेसिकली क्या करते हैं कि जो वीकडेज है उसे थोड़ा सा लगता है कि हम वीकेंड को थोड़ा सा स्लाइटली यू नो चेंज कर लें, कुछ खाना कुछ अलग खाएं, कुछ इस तरीके का. तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाली हूँ, बहुत नॉर्मली खाना बना रही हूँ, लाइक पराठा सेकूंगी एंड सब्जी. तो मैं आज कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, एंड कढ़ाई पनीर मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, लाइक अच्छी लगती है हम लोगों को, बहुत सिंपल होती है, झटपट से बन जाती है. तो बस मैं आज वही बनाने जा रही हूँ, और साथ में अगर मुझे लगा तो मैं थोड़ा सा जीरा राइस बनाऊंगी. अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं बनाऊंगी, बट यस आई एम ट्राइंग कि मैं बना लूँ अगर टाइमली निपट जाता है मेरा काम. तो दिन है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट क्लीन, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम करना है, ये पूरा क्लीन है. तो बस स्टार्ट करते हैं, मेरे को सारा लाइक चॉपिंग वगैरह जो भी कुछ करना है. तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर. तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है बेसिक, एंड सबसे पहले कढ़ाई मसाला बनाऊंगी मैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया हुआ है, सौंफ ली हुई है, थोड़ी इलायची है छोटी वाली, बड़ी है, दालचीनी है, 4-5 काली मिर्च है, एंड थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली हुई है विच इज़ ऑप्शनल. हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसमें जीरा भी डालना होता है, बट आज मेरे पास जो क्यूमिन सीड्स है वो अवेलेबल नहीं है. तो मैं क्या करूँगी कि जो जीरे का जो पाउडर होता है भुना हुआ, क्योंकि हम इसको भी भून ही रहे हैं, तो मैं जब इसको पीसूंगी इस मसाले को तभी मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी. तो हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं जलाना इसको. तो जब तक वो हो रहा है, मैं जो इसका मसाला बनाएंगे कढ़ाई पनीर के लिए, तो प्याज और टमाटर उसमें हमको डालना है, मैं वो चॉप कर लूँगी. एंड दोनों ही चीज़ों को हमको रफली चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, क्योंकि जब ये पक जाएंगे उसके बाद हमको इसका मसाला बनाना है. और ये मसाला भुन करके रेडी है, जैसे आपको वो अरोमा आने लगे आप गैस को ऑफ कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पका देंगे तो मसाले कड़वे हो जाएंगे. मसाले निकालने के बाद सेम पैन में ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1.5 टेबल स्पून के करीब, एंड जैसे वो गर्म होगा तो जो अनियन मैंने रफली चॉप किया हुआ है वो मैं उसमें डाल दूंगी. तो ये जैसे तेल गरम होगा मैंने इसमें अनियन ट्रांसफ़र कर दिए हैं, एंड इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको कैरमलाइज नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए उतना ही. एंड उसी देर में मैं टोमेटो जो है वो भी चॉप कर लूँगी. तो मैं 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत ज़्यादा अनियन को नहीं गलाना है, जैसे लगेगा सॉफ्ट हो जाएगा हम इसमें टोमेटो भी ऐड कर देंगे. जब तक यहाँ पर अनियन सॉफ्ट हो रही है, पक रही है, तब तक मैं एक दूसरे बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं साथ में थोड़ा सा पास्ता बॉईल कर रही हूँ रक्षा के लिए, बिकॉज अगर वो सब्जी नहीं खाएगी, बाय चांस अगर नहीं खा रहे, तो एटलीस्ट वी हैव अनदर ऑप्शन कि वो पास्ता खा ले, एंड बच्चों को पसंद भी होता है पास्ता. तो मैं जस्ट नॉर्मल बॉयल्ड पास्ता बना रही हूँ विद मेयोनीज. तो और यहाँ पर अनियन भी सॉफ्ट हो गया, मैं इसमें जो टोमेटो मैंने चॉप करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, एंड हल्का सा सॉल्ट हम इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा सा ही डालेंगे, जिससे कि अगर सॉल्ट डाल देते हैं जो कुकिंग प्रोसेस होती है वो हो जाती है फास्ट. तो बस इसको हम ढक देंगे और ढक करके इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर जो है बिल्कुल मशीना हो जाए. इधर पानी में मैं पास्ता डालूंगी, इससे पहले पानी को बॉयल होने दूंगी, एंड मैं यहाँ पर होल व्हीट फूसली जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ. तो बस पानी बॉयल हो गया है, एंड पानी में मैंने डाला था सॉल्ट एंड हल्का सा ऑयल. तो बस ये पास्ता इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा पास्ता मैं बॉईल कर रही हूँ रक्षा भर के लिए, दैट्स इट. एंड ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल रही हूँ, जिससे कि पास्ता एक दूसरे से स्टिक नहीं होगा.
मसाले को हमको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। उसी बीच में आटा गूंद रही हूँ मैं, और मैं पराठे बनाऊंगी तो पराठे के लिए मैंने थोड़ा सा आटा, उसमें हल्का सा घी डाला हुआ है 1.5 टीस्पून के करीब, एंड थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट ऑप्शनल है, नहीं डालें तो आप ना डालें, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा आटे में। एंड मैं थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट आटा गूंदूंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदूंगी। एंड एज यूजुअल इसको मैं बहुत ज़्यादा अभी ही गुम्मी इसमें नहीं लगाऊंगी, मैश नहीं करूंगी, जस्ट नॉर्मल कंबाइंड करके रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। एंड जब तक सब्जी बन करके रेडी होगा, आटा बहुत अच्छे से फूल जाएगा, तो जो आपका बेसिकली जो आटा गूंदने का जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो दैट्स इट, जैसे ही आटा कंबाइंड होगा मैं इसको ढक करके रख दूंगी। तो ये जो मसाला है ये भी पक करके रेडी हो गया है, अनियन टोमेटो, इसको मैं जल्दी ठंडा करने के लिए, क्योंकि हम इसको गर्म नहीं पीस सकते हैं, तो मैं इसको एक नॉर्मल गैस पर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। एंड इधर मैं सैलेड बना रही हूँ, नॉर्मल ग्रेटेड कैरेट एंड टोमेटो मिक्स करके। अगर आपने कभी खाया हो अन्य, ये हम जो मूली होता है उसके साथ भी बनाते हैं, एंड ये बहुत अच्छा लगता है जिसको, अगर जैसे कि मुझे पर्सनली जो सैलेड होता है चंक्स खाना इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ग्रेट करके उसका एक मिक्सचर बना लेती हूँ विच लाइक टेस्ट really good। तो मैंने बस थोड़ा सा गाजर ग्रेट किया है, एंड फाइनली चॉप कर लूंगी टोमेटो को। इफ यू वॉन्ट आप मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं इसका क्लिप लेना भूल गई थी कि कैसे मैंने इसको मिक्स करके, जस्ट मैंने नमक एंड लेमन मिक्स किया, दैट्स इट, एंड सैलेड रेडी। इधर मसाला भी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, एंड जो पास्ता है उसको मैं थोड़ा सा ओवर कुक करूंगी, बिकॉज बच्चों को चबाने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होता है, तो वो उधर हो रहा है। एंड ये जो मसाला है कढ़ाई मसाला जिसको बोलते हैं, बेसिकली ये अलग से पाउडर बनकर के रेडी होता है विच यू कैन स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मैंने जस्ट नॉर्मल थोड़ा सा ही बनाया है। एंड मैं इस पूरे मसाले को इस सब्जी भर में यूज़ करूंगी, एंड मैं इसको अलग से नहीं पीस रही हूँ, मसाले के जो मैं प्याज टमाटर को ऐड करूँ पीसूंगी उसी के साथ पीस रही हूँ, उसे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, अदरवाइज आपको अलग अलग पीसना होगा। एंड ऐसे भी पीसने से टेस्ट ख़राब नहीं आता, तो मैं सारे मसाले, ड्राई मसाला एंड इसको दोनों को एक साथ मिक्स किया और पीस रही हूँ। एंड मैंने स्टार्टिंग में जीरा नहीं डाला था, तो मैं 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड किया हुआ है, एंड मसाला बन करके रेडी हो गया है ये। अब हम कढ़ाई पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे, फाइनल स्टेज पर आ गए हैं, अब हम वो बनाएंगे। तो मैं जो सेम कढ़ाई है वही यूज़ कर रही हूँ, एंड इधर पास्ता बॉईल हो गया है जिसको मैं ड्रेन कर दूंगी। तो पहले पास्ता की बात करते हैं, तो पास्ता रेडी है, मैं इसको जस्ट रक्षा को दे रही हूँ खाने के लिए, एंड इसमें मैं हल्का सा मेयोनीज ऐड करूँगी, दैट्स इट। सॉल्ट मैं ऑलरेडी डाली हुई हूँ, एंड बहुत ज़्यादा वेजीज नहीं डाल रही हूँ, सोचा था कि डालूंगी वेजीज बट वो नहीं खा रही है, तो वो पास्ता रेडी है ऑलमोस्ट। एंड मैं सेम कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैं 2 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी, बटर में तड़का अच्छा लगता है, थोड़ी भी लाइक रिच ग्रेवी अगर बनाना है तो बटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड जो बटर है उसको हमें जलाना नहीं है, जैसे ही हल्का सा पिघले हम तभी इसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे, एंड हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका जो कच्चापन है, रॉ स्मेल जो है वो ना चले जाए। मैं 1 ग्रीन चिली इसमें ऐड की हूँ स्लिट करके, ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं। और ग्रेवी में अच्छा कलर आए उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ पैप्रिका पाउडर फ्राई करते टाइम में, इसके बाद में इसमें मसाला ऐड करूँगी, इससे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत रिच आता है, बहुत रेडिश कलर आपको दिखेगा। इफ़ यू वांट थोड़ा सा आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कश्मीरी मिर्च वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड ग्रेवी मैं थोड़ी सी पतली बना रही हूँ, आप चाहें तो उसको ड्राई भी रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें पानी एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, ठीक है। और बस अभी इसको पकाएंगे, एंड हल्का सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी टमाटर में डाल चुकी हूँ, एंड जो बटर मैंने यूज़ किया है विच इज़ सॉल्टेड वन। तो ये हो गया, मैं इसमें डालने के लिए मुझे थोड़े से अनियन पेटल्स चाहिए और थोड़े से बेल पेपर्स चाहिए, तो आप आपके चॉइस के कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल तीनों ही कलर ले रही हूँ, एंड हाफ अनियन ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, और इन सब के मैं पेटल्स काट लूँगी। एंड मेक श्योर कि आप इन अनियन को जब काट लें अच्छे से, पेटल्स इनके अलग निकाल लें, उसके बाद अच्छे से धो लें, क्योंकि हम इनको पकाना नहीं है, हम इसको बेसिकली बॉईल करेंगे ग्रेवी में साथ में डाल करके, तो इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ना आए सब्जी में बहुत ज़्यादा। इसके लिए मेक श्योर यू विल वॉश देम थॉरली, और वॉश करके हम इसको ग्रेवी में डाल देंगे एंड मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे।
मीनवाइल जो मैं पनीर है उसके भी क्यूब्स कट कर लूंगी, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल मार्केट वाला पनीर यूज कर रही हूँ एंड ये 250 ग्राम्स है। दो से तीन मिनट बॉईल करने के बाद मैंने जो पनीर के क्यूब्स कट करके रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी एंड पनीर के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और एक से दो मिनट बाद मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल इसको हाथ से मतलब पीस लेंगे उसके बाद डालेंगे। और मैं हल्का सा इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, रीज़न है कि मैं क्रीम नहीं डाल रही हूँ और थोड़ा सा लाइक ये फ्लेवर अच्छा देता है, सॉफ्ट करता है, ग्रेवी को माइल्ड करता है। एंड मैंने जो कढ़ाई है उसको दूसरे हॉप पर शिफ्ट कर दिया है और मैं परांठे बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। तो नॉर्मल सबसे पहले मैं हाथों में घी लगा करके आटे को सॉफ्ट कर लूँगी एंड एज यूजुअल परांठे, बेसिक परांठे बना लूँगी मैं। उधर सब्जी हो गई है, ऑलमोस्ट डन है सब्जी, और बस उसमें लास्ट में थोड़ा सा मैं पनीर जो मैंने बचा करके रखा था वो मैं ग्रेट कर दूँगी ऊपर। तो इस तरीके से खाना बन गया है, ऑलमोस्ट लास्ट पराठा रह जाता है, पास्ता बनकर के रेडी है और सैलेड मैंने बना लिया। मैं उसका क्लिप मिस हो गया है मुझसे, आई एम रियली सॉरी। मैंने उसमें हल्का सा लेमन ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था, दैट्स इट। अब जैसे ही पनीर हो गया मैंने गैस ऑफ कर दिया है। लास्ट में मैं इसमें हल्का सा बिल्कुल हाफ टी स्पून शुगर ऐड करूंगी एंड हाफ टी स्पून के करीब ही लेमन ऐड करूंगी। दोनों ही चीज़ बहुत ऑप्शनल है बट मैं पहले की वीडियोज में बता चुकी हूँ मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं ट्राई करती हूँ कोई भी रिच ग्रेवी में ऐड करना। तो बस इट्स डन, हो गया, ये बन गया है खाना। हाय, तो यस इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड मुझे एग्जैक्ट 60 मिनट्स लगा मुझे उसमें रक्षा को खाना भी एंड प्लान पूरा चेंज हो गया। मुझे था कि मैं जीरा राइस बनाऊंगी बट जो कि मैंने नहीं बनाया एंड मैंने उसके लिए पास्ता बनाया। पास्ता भी मैं एक्चुअली वेजेस के साथ बनाने वाली थी बट उसने नहीं लिया, प्लेन ही वो खा लिया उसने, प्लेन पास्ता जिस नॉर्मल बॉईल किया हुआ, थोड़ा सा उसमें मेयो वगैरह डाल करके, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस वो बनाया, कढ़ाई पनीर बनाया, पराठे बनाए, दैट्स इट। तो बस यही है, एक घंटे का काम होता है एंड यस आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली फ्रेंड्स वेयर एवर यू वॉन्ट। एंड वन लिटिल रिक्वेस्ट विद यू, इफ यू वॉन्ट मी टू मेक एनी अदर यू नो टॉपिक वीडियो लाइक कुकिंग से रिलेटेड, किस तरीके के वीडियोज यू वॉन्ट टू वॉच इन द फ्यूचर, सो प्लीज डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट मैं उस पर वर्क कर पाऊँ कुछ लाइक किचन हैक्स एंड एवरीथिंग। लाइक आई हैव रिलीज 3 पार्ट्स फॉर किचन टिप्स एंड ऑल। सो ऐसा अगर कोई सजेशन है विच यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, विच यू वॉन्ट टू गिव मी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई वुड रियली लव टू वर्क ऑन दैट। सो यस आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग, बाय बाय।